हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो जून 2022 के मंथ में जो भी स्पोर्ट्स के करंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर रहे हैं, हम वो इस वीडियो में देखेंगे, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहे हैं स्पोर्ट्स के न्यूज, है ना, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट है, इन विच कैटेगरी इंडियन वुमेन शूटिंग टीम हैज़ क्लेम्ड द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट ISSF वर्ल्ड कप 2022 इन बाकू अजरबैजान। ठीक है, तो किस कैटेगरी में इंडियन वुमेन शूटिंग टीम जो थी इंडिया की, है ना, उसने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? ISSF वर्ल्ड कप 2022, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुआ? बाकू अजरबैजान। तो ये 10 मीटर एयर राइफल में, है ना, वुमेन टीम, इंडियन वुमेन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है ISSF वर्ल्ड कप 2022 में। ठीक है, इंडियन वुमेन्स टीम में कौन कौन थी? एलेवन नील, है ना, वेलरवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता। ठीक है, और इंडियन ट्रायल टीम ने डिफीट किया डेनमार्क को बाई 17-5 फाइनल में, है ना, 17-5 से डेनमार्क को इंडियन ट्रायल टीम ने डिफीट किया, ठीक है, फाइनल में। ओके, नेक्स्ट है, हु विन ए ब्रॉन्ज मेडल विथ ए टाइमिंग ऑफ, है ना, 1:04:71 एट द 2022 ICF, है ना, पैराकोने वर्ल्ड कप, है ना, हेल्ड इन पजोनान पोलैंड एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड कप मेडल। तो ये पारा कैनोइस्ट, है ना, प्राची यादव, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, कहाँ पे? ICF पैराकोन वर्ल्ड कप, जो कि हुआ पजोनन पोलैंड में, ठीक है, और ये पहली इंडियन बनी, है ना, जो इस वर्ल्ड कप में मेडल जीती, ठीक है, इंडिया से, है ना। तो ये कौन है? प्राची यादव है। ठीक है, सुसान सैपल ऑस्ट्रेलिया से, ब्रेना हेनेसी कनाडा से, है ना, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीते, ठीक है, सुसान को गोल्ड मेडल मिला है और ब्रेना को सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, आफ्टर डिफीटिंग विच टीम द इंडियाज मैन हॉकी टीम क्लिंचेज द ब्रॉन्ज मेडल एट एशिया कप मेंस हॉकी 2022 एट जकार्ता इंडोनेशिया। किस टीम को हराने के बाद इंडियन जो हॉकी टीम है, इंडियन मेंस हॉकी टीम है, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता एशिया कप मेंस हॉकी 2022 में, जो कि हुआ है कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया में। तो जापान को हराने के बाद ये ब्रॉन्ज मेडल इंडियन हॉकी मेंस हॉकी टीम ने जीता है, है ना। और इसके कैप्टन कौन है इंडियन मेंस हॉकी टीम के? तो वीरेंद्र लकड़ा। ठीक है, साउथ कोरिया, है ना, ये विन किया है एशिया कप मेंस हॉकी 2022 फिफ्थ टाइम, है ना। इससे पहले 4 टाइम कब वो जीता है? 1994 में, 1999 में, 2009, 2013 और 2022 में। ठीक है, मलेशिया सेकंड रैंक पे रहा। ठीक है, टॉप स्कोरर इस टूर्नामेंट में रहा कौन है? राजी रहीम, जो कि मलेशिया से हैं, इन्होंने 13 गोल दागे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच टीम हैज़ क्लेम्ड देयर विन अगेंस्ट यूरोपियन चैम्पियंस इटली इन 2022 फाइनलिज्म चैम्पियनशिप एट वेम्बले। ठीक है, तो अर्जेंटीना ने जीत दर्ज की, है ना, इसमें, ठीक है, फाइनलिज्म चैम्पियनशिप में, जो कि वेम्बले लंदन में देखने को मिला। ठीक है, लियोन मेसी, है ना, मैन ऑफ द मैच रहे, है ना, और इस सेकेंड टाइम इनके कैरियर में ये इस ट्रॉफी को ये वोन किए हैं। ठीक है, और ये पहले ट्रॉफी वार्सिलोन में 2011 में ये जीते थे। ठीक है, अभी ये सेकेंड टाइम ये जीत रहे हैं। ठीक है, मेसी के पास 46 गोल्ड कंट्रीब्यूशन थे, है ना, जिसमें से फाइनल 45 फाइनल्स में, है ना। नेम द डिस्कस थ्रो प्लेयर हु हैज बीन बैंड बाय बोर्ड ऑफ अपील ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर 2 ईयर अंटिल 2023 फॉर इंटरनेशनल मिस रिप्रेजेंटेशन। पारा एथलीट विनोद कुमार को,
जो कि एक डिस्कस थ्रोअर है ना, एक ऐसे है ना डिस्क शेप का रहता है, उसको थ्रो करना रहता है। इसके थ्रोअर हैं, इन्हें 2 साल के लिए बैन किया गया है बोर्ड ऑफ अपील ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा, है ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल में मिस रिप्रेजेंटेशन किए थे। ठीक है ना। और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी डिस्कस थ्रो में जीता था, ये 52 कैटेगरी से। ठीक है। विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 बिगिंस इन पंचकुला हरियाणा? तो ये 4th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम का, जो कि 2021 में बिगिन हुआ पंचकुला हरियाणा में। ठीक है। इसको इनॉग्रेट किया गया था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ठीक है। और एक फ्लैगशिप इवेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, ताकि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। ठीक है। 25 स्पोर्ट्स इवेंट इसमें ऑर्गेनाइज किए गए थे 5 अलग अलग जगहों पे, है ना। कहाँ कहाँ ये ऑर्गेनाइज किए गए थे? पंचकुला, अम्बाला, शाहदरा, सॉरी शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच कैटेगरी ऑफ रेसलिंग इंडिया साक्षी मलिक हैज वॉन गोल्ड मेडल एट 2022 बोलाट टर्लिक नाव कप रेसलिंग टूर्नामेंट इन कजाकिस्तान? तो 62 kg वाले कैटेगरी में, ठीक है, जो इंडिया की रेसलर है साक्षी मलिक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? कजाकिस्तान में, है ना, बोलट है ना टर्लिक नोव कप जो रेसलिंग टूर्नामेंट हुआ उसमें। ठीक है। दिव्या कक्रन 68 kg में और मानसी अहलावत 57 kg में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम साक्षी मलिक गोल्ड मेडल जीती थी 2017 कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में। ठीक है। पूजा सिहाग और नीरज, है ना, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला 76 kg और 63 kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है। हु विन हिज 14th टाइटल ऑफ मेन्स 2022 फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप एट रोनाल्ड गैरोस एंड 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल ओवरऑल? राफेल नडल, जो कि स्पेन से हैं, इनको 14th टाइटल मिला है मेन्स 2021 फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप का, है ना, जो कि कहाँ पे हुआ? रोलांड गैरोस में। और इनको 22nd ग्रैंड स्लैम का टाइटल भी, ओवरऑल ग्रैंड स्लैम का टाइटल भी इनको दिया गया है। इन्होंने किसे डिफीट किया? कैस्पर रूड को। ठीक है। 6-3, 6-3, 6-0 से। ठीक है। इगा स्वेतेक, जो कि पोलैंड के हैं, है ना, इन्होंने डिफीट किया कोको गॉफ को, है ना, और इन्होंने विन किया वुमेन्स फ्रेंच ओपन 2022 को, है ना। मेन्स डबल में मार्सेलो अरेवेलो, जो कि एल सेल्वेडोर के हैं, और जीन जुलिन रोजर, जो कि नीदरलैंड के हैं, ये दोनों मेन्स डबल में जीते हैं। वुमेन्स डबल में कैरोलिन गैरकी और क्रिस्टिना मिलेडिनोविक, जो कि फ्रांस से हैं, है ना, तो ये वुमेन्स डबल में ये 2022 का फ्रेंच ओपन चैम्पियनशिप जीते हैं। ठीक है। मिक्स डबल में एना सिवारा जापान से और वेस्ले कुलहफ नीदरलैंड से, है ना, ये फ्रेंच ओपन चैम्पियनशिप जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच कैटेगरी इंडियन शूटर अवनी लेखरा हैज वोन द गोल्ड मेडल एट 2022 पारा शूटिंग वर्ल्ड कप इन फ्रांस? तो 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, इसमें, है ना, इंडियन शूटर जो है अवनी लखरा, है ना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पारा शूटिंग वर्ल्ड कप फ्रांस में, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ 2022 में, है ना। और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है बाय स्कोरिंग 250.6 इन वुमेन 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में। ठीक है। इमिलिया बबस का पोलैंड की जो है, इनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है। और इन्होंने स्कोर किया था 247.6, है ना, जबकि अन्ना नॉर्मन, जो कि स्वीडन से हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। ठीक है। नेक्स्ट है, द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 इज बिंग ऑर्गेनाइजेड एट हाउ मेनी लोकेशन? तो ये 5 अलग अलग लोकेशन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसको इनोग्रेट किया गया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ये एक फ्लैगशिप इवेंट है, ताकि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके।
और इसमें 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से पार्टिसिपेंट ने भाग लिया। इसमें 25 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए, अलग 5 अलग अलग वेन्यू में, जो कि पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट। आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री, इंडिया हैज वोन द फाइनल ऑफ इनेगुरल FIH हॉकी 5H चैंपियनशिप इन लॉसने इन स्विट्जरलैंड। तो पोलैंड को हरा के इंडिया ने, है ना, ये चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, इंडिया ने टॉप किया है 5 टीम लीग को, है ना। और ठीक है, नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 8 जून 2022। 8 जून 2022 को कौन सी ऐसी वुमेन, इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया सभी तरीके के इंटरनेशनल खेलों से, इंटरनेशनल क्रिकेटर से। ठीक है, तो ये मिताली राज है। ठीक है, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 232 मैचेज में, इन्होंने 7,805 रन स्कोर किया है ना। एवरेज क्या रहा है इनका, 50.68 इनका एवरेज रहा है। ठीक है, और इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यूट को, है ना, है ना, इन्होंने अपना जो इंटरनेशनल डेब्यूट था, इंटरनेशनल अपना क्रिकेट का शुरुआत जो था, ODI मैच से खेला, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से खेला आयरलैंड में जून 1999 में। ठीक है ना, सी बिकम द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन क्रिकेटर टू हैव एग्रीगेटेड मोर देन 10,000 इंटरनेशनल रन, है ना। ये पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बनी जिनका जो रन था वो 10,000 इंटरनेशनल रन से ज़्यादा था 350 मैचों में। ठीक है, ओवर ऑल थ्री फॉर्मेट्स, है ना, सभी तीनों फॉर्मेट में। ठीक है, व्हाट इज नेम ऑफ ऑफिशियल मैस्कट ऑफ 44 चेस ओलंपिड लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। तो ये थाम्बी एक ऑफिशियल मैस्कट है 44 चेस ओलंपिड, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने जिसको लॉन्च किया है ना, तो उसका मैस्कट क्या है ना, तो थाम्बी। ठीक है, जो कि एक नाइट ड्रेसेस है ना, ट्रेडिशनल तमिल अटायर, वेस्टी का धोती और, है ना, विथ ए शर्ट, धोती के साथ जो शर्ट पहना जाता है वो है ये। ठीक है, और इसे, है ना, ऑफिशियल मैस्कॉट रखा गया है। ठीक है, हु हैज क्लिंच्ड गोल्ड मेडल इन मेन्स 55 kg इवेंट एट IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022। तो ये हैं कौन, सानापथी, है ना, गुरु नायडू। ठीक है, सानापथी गुरु नायडू, है ना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ना 55 kg मेंस 55 kg इवेंट, जो कि IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में हुआ था। ये वेट लिफ्टिंग का चैंपियनशिप था। ठीक है, ओके, और ऑर्गेनाइज हुआ था ये मैक्सिको में। ठीक है, नेक्स्ट, हु वोन द गोल्ड मेडल एट चैट्रक्स 2021, है ना, वर्ल्ड कप। तो ये अवनी लेखरा है, अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है ना चैट्रक्स 2022 वर्ल्ड कप में। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने, है ना, R8 इवेंट वुमेन्स 50 मीटर राइफल, है ना, 3 पोजिशनिंग SH1 में, है ना, स्कोर किया था 458.3। ठीक है, और इन्होंने वेरोनिका वदवायकोवा, जो कि स्लोवाकिया के, उनको इन्होंने डिफीट किया और ये टाइटल जीता है ना, और ये गोल्ड टाइटल इंडिया के लिए जीता है। ओके, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु वोन द नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट। तो ये हैं आर प्राग नंदा, है ना, आर प्राग नंदा, जो कि इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, ये 16 साल के हैं। ठीक है, ओके, और इन्होंने है ना इस टूर्नामेंट को फाइनलाइज किया, है ना, बाय विथ विनिंग, है ना, हिज फेलो इंडियन वी प्रणीत, एन इंटरनेशनल मास्टर। नेक्स्ट, मनप्रीत कौर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट हु सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन इंटर स्टेट एथलेटिक मीट इन चेन्नई। तो ये शॉर्ट पुट की खिलाड़ी हैं, मनप्रीत कौर क्या है, शॉर्ट पुट की खिलाड़ी हैं, जो एक नया रिकॉर्ड नेशनल नेशन में बना दी है ना,
इंटर स्टेट एथलेट मीट इन चेन्नई, चेन्नई में जो इंटर स्टेट एथलेट मीट हुआ उसमें जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुए थे उसमें इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है शॉर्ट पुट में, ठीक है। सी हेल्ड द प्रीवियस रिकॉर्ड 17.96 मीटर, इस जो इनका पुराना रिकॉर्ड था 17.96 मीटर तक शॉर्ट पुट फेंकने का, है ना, जो कि इस बार क्या किए हैं इन्होंने 18.86 मीटर तक फेंका है, ठीक है। सॉरी, मनप्रीत ने इससे पहले भी है ना आयरन बॉल को 18.86 मीटर तक एशियन जीपी में 2017 में जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था वहाँ पे फेंका था। मनप्रीत कौर रिसेंटली रिटर्न टू आफ्टर ए 4 ईयर डोपिंग बैन, इन्होंने डोपिंग किया था है ना, इसलिए इनको बैन कर दिया गया था 4 साल के लिए, तो 4 साल के बाद ये फिर से है ना खेल में उतरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट इमर्ज एज द चैम्पियन एट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम का 4th एडिशन में कौन सा स्टेट चैम्पियन रहा है, तो ये हरियाणा रहा है, ठीक है। हरियाणा को 52 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर मेडल, 46 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पर रहा 45 गोल्ड मेडल, 40 सिल्वर मेडल, 40 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। कर्नाटका थर्ड रैंक पर रहा 22 गोल्ड, 17 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, ठीक है। अनीस गौड़ा है ना किस खेल से संबंधित है ना, जिन्होंने अभी हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल जीता है 4th खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में, तो ये स्विमिंग से रिलेटेड है और ये महाराष्ट्र के स्विमर हैं अपकेश है ना फर्नाडिस और जिमनास्ट सानिकता काले है ना, इन लोगों ने भी 5 गोल्ड मेडल जीते हैं है ना इस गेम में। होस्ट स्टेट कौन था इस बार है ना खेलो इंडिया गेम का, हरियाणा था है ना, और ये चैंपियन भी रहा इस साल 4th खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में। हु वन द अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022, मैक्स वेत्रपन ने, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, ठीक है, इन्होंने अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है, ठीक है। रेडबुल के सर्गियो परेज सेकेंड रैंक रहे हैं और मर्सिडीज जॉर्ज रसल थर्ड रैंक इनको मिला है, ठीक है। स्टार बैडमिंटन प्लेयर विक्टर एलेक्सन बिलोंग टू विच कंट्री, हु हैज वोन मैन सिंगल टाइटल एट BWF इंडोनेशिया मास्टर 2022, तो ये डेनमार्क से रिलेटेड है ना, और ये स्टार बैडमिंटन प्लेयर है विक्टर एलेक्सन है ना, जिन्होंने अभी मैन सिंगल खिताब जीता है BWF इंडोनेशिया मास्टर 2022 में, और ये डेनमार्क से हैं, ठीक है। एलेक्सन डेनमार्क डिफिटेड ताइवान 6-3-6 है ना इन स्ट्रेट सेट, ठीक है ना। चेन युफेई जो कि चाइना की है, इन्होंने थाईलैंड के राचोंग इंटेनॉन इनको हराया है, ठीक है, वुमेन के कैटेगरी में, ओके। नेक्स्ट, विच 3 सिटीज हैव बीन नेम्ड अमोंग द होस्ट सिटीज फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप इन यूनाइटेड स्टेट कनाडा एंड मैक्सिको। लॉस एंजल, टोरंटो एंड मैक्सिको सिटी, ये 3 सिटीज हैं जहाँ पे होस्ट किया जाएगा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, है ना। एक यूनाइटेड स्टेट में है लॉस एंजल, टोरंटो कनाडा में है और मैक्सिको सिटी मैक्सिको में है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम टू इंडियन पारा पावर लिफ्टर मैन एंड वुमेन इंडिविजुअल हु हैव वोन ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड पारा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशियनिया ओपन चैंपियनशिप एट पायोंगटिक इन साउथ कोरिया, ठीक है। पायोंगटिक जो साउथ कोरिया में अभी वर्ल्ड पारा पावर लिफ्टिंग 2021 एशियन ओशियनिया ओपन चैंपियनशिप का हुआ, उसमें इंडिया के कौन से 2 पावर पारा लिफ्टर थे है ना, पारा पावर लिफ्टर थे बोथ मैन एंड वुमेन, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार, ये 2 इंडिया के खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वहाँ पर, ठीक है। मनप्रीत कौर वुमेन्स कैटेगरी से ब्रॉन्ज मेडल जीती है 41 kg कैटेगरी में, और है ना परमजीत कौर मेंस कैटेगरी से 49 kg वाले कैटेगरी में, ये है ना पारा पावर लिफ्टर अवार्ड जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट एवर टॉर्च
रिले फॉर 44 चेस ओलंपिड विच विल बी हेल्ड इन महाबलीपुरम बिटवीन 28 जुलाई टू 10 अगस्त। तो पीएम नरेंद्र मोदी है ना इसका इनाग्रेशन करेंगे 44 चेस ओलंपिड का, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगा, महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक। ठीक है, इसको इनाग्रेट किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ना इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेलिब्रेट करा रहा है ना। प्राइमरी प्रेसिडेंट ऑफ फिडे आर्कडे द्वाकचिव है ना हैंडेड ओवर द टॉर्च टू पीएम मोदी हु गेव इट टू विश्वनाथ आनंद। ओके, हु हैज क्लिंचेज गोल्ड इन जेवलिन थ्रो इन 2022 कार्तेनिक गेम इन फिनलैंड। तो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में है ना, जो कि 2022 का था है ना कार्तेनिक गेम में, जो कि फिनलैंड में देखने को मिला। इन्होंने 86.969 मीटर तक जेवलिन को फेंका। ठीक है, कसॉन वाइलकॉट है ना ऑफ ट्रिनिदाद इनको सिल्वर मेडल मिला क्योंकि इन्होंने 86.64 मीटर जेवलिन थ्रो किया। और एंडरसन पीटर है ना इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 84.75 मीटर जेवलिन को फेंक के। संदीप चौधरी इंडिया से है ना है जिन्होंने 8th पोजीशन हासिल किया है इसमें है ना जेवलिन थ्रो में, और ये 60.35 मीटर तक ये जेवलिन को फेंके। विच मिक्स टीम हैज वोन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम टाइटल एट 20th कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन। तो मानू बैकर और शिवा नरवाल ये दो मिक्स टीम से थे जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिक्स टीम टाइटल है 20th कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग कंपटीशन का वो जीता है। ठीक है ना, अमरप्रीत सिंह और श्वेता सिंह ओएनजीसी से 16.8 इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ईशा सिंह तेलंगाना से है ना, और कौशिक गोपू है ना इन लोगों ने ब्रॉन्ज जीता है सीनियर और जूनियर मिक्स टीम कंपटीशन में। विच विल लीड द 37 मेंबर इंडियन एथलीट कंटिजेंट इन बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम इन जुलाई अगस्त। तो ये नीरज चोपड़ा हैं जो 37 मेंबर इंडियन एथलीट के जो कंटिजेंट होंगी है ना बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उसको लीड करेंगे। ठीक है, विच टीम ऑफ वुमेन्स रेसलिंग हैज क्लिंचेज 5 मेडल टू क्लेम द अंडर 17 एशियन चैम्पियनशिप हेल्ड एट बिश्केक किर्गिस्तान। तो इंडियन महिलाएँ हैं, रेसलिंग महिलाएँ हैं जिन्होंने 5 मेडल जीता है अंडर 17 एशियन चैम्पियनशिप जो कि बिश्केक किर्गिस्तान में देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज बिकेम द जॉइंट 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल। सुनील छेत्री है ना 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर बन चुके हैं इंटरनेशनल फुटबॉलर में। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज क्लिंचेज द 2022 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। तो रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेत्रपन ने इस ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। ठीक है, और है ना रुमेली धर हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट, सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो क्रिकेट से रिलेटेड है और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है अपना है ना स्पोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन वुमेन टीम ऑफ दीपिका कुमारी अंकिता भगत एंड सिमरनजीत कौर हैज क्लिंचेज फॉर सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड कप स्टेज 3 इन पेरिस। रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये 3 महिलाएं जो हैं दीपिका कुमारी है ना अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर है ना जिन लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड कप स्टेज 3 जो कि पेरिस में फ्रांस में देखने को मिला, ये किस गेम से रिलेटेड है? तो आर्चरी है ना धनुष से ना तीर धनुष वाले गेम से रिलेटेड है। ठीक है, विच स्टेट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री आफ्टर डिफीटिंग द 41 टाइम चैंपियंस मुंबई बाई 6 विकेट टू विन देयर
फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी टाइटल एट एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम एट बेंगलुरु मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा दिया है 6 विकेट से। ठीक है, मुंबई इससे पहले 41 टाइम्स चैंपियनशिप रहा है रणजी ट्रॉफी में, तो मुंबई को इस बार मध्य प्रदेश ने 6 विकेट से हरा दिया है। कहाँ पे? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द इंडियन साइक्लिस्ट हु हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय विनिंग सिल्वर इन स्प्रिंट इवेंट एट एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022। तो रोनाल्डो सिंह, रोनाल्डो सिंह ने है ना, ये जो इंडियन साइक्लिस्ट है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में। ठीक है, और ये बन गए फर्स्ट इंडियन साइक्लिस्ट जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इस है ना टूर्नामेंट में। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन U23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 इन बिश्केक किर्गिस्तान। और दीपक पुनिया, दीपक पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है U23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ पे देखने को मिला? बिश्केक किर्गिस्तान में देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द इंडियन वुमेन डिस्कस थ्रोअर हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट कसनाव मेमोरियल 2022 एथलेटिक मीट एट अल्माटी कजाकिस्तान। तो ये है नवजीत ढिल्लों, नवजीत ढिल्लों ने जेवलिन थ्रो में ये गोल्ड मेडल जीता है अल्माटी कजाकिस्तान में। ठीक है, टूर्नामेंट में। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल।